जी सर, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सही से? हाँ सर, ठीक है, आ रही है आपकी आवाज़? वेरी गुड। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, मेरे ख्याल से फ्राइडे को, तो हमने चैप्टर टू अपना स्टार्ट किया था और हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स के हवाले से बात की थी। मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मेरी सर, स्क्रीन पर जी देख रही है। दिख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो जितनी बातें हमने की थी, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं चैप्टर का या आगे से बात करूं, जल्दी से बताइए मुझे बेटा। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप लोग? हेलो बेटा, जी सर, मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि मैं आगे बात करूं। हमने हार्ड ड्राइव की बात हमने लास्ट टाइम तकरीबन ख़त्म की थी। हमने बात की थी कंप्यूटर जब अपना डेटा स्टोर करता है, उसके लिए एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए होती है जो इसमें हमारा डेटा सेव हो सके। तो उसके लिए जो वो हार्ड डिस्क ड्राइव एक चीज़ होती है, ठीक है। हार्ड उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उधर से एक हार्ड केस में मेटल की डिस्क होती है, इसीलिए उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। और जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हार्ड डिस्क की स्पेस भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। शुरू शुरू में उसे बाइट्स थी, फिर किलो बाइट्स में आ गई, फिर मेगा बाइट्स में आ गई, फिर गीगा बाइट्स में आ गई। अब जो है वो टेरा बाइट्स तक, यानी नॉर्मल यूजर के लिए टेरा बाइट्स अवेलेबल हो चुकी है, वरना इससे पहले जो वो सिर्फ कॉरपोरेट और जो वो स्पेशल पर्पज़ के लिए टेरा बाइट्स की स्पेस रिक्वायर्ड होती थी। अब आप पर्सनली कंप्यूटर, अपने जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, पीसी हैं, उनमें जो है वो 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, यानी कि उसकी हार्ड ड्राइव परचेज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे ख्याल से कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी किसकी बात, हार्ड डिस्क के हवाले से बात, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में डेटा हम अपना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये लास्ट टाइम की बात थोड़ी सी मैंने रिपीट की है, आगे चलते हैं मज़ीद। अब हम बात करें किसकी, ग्राफिक्स कार्ड। भाई ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं, कोई ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएंगे बेटा? अनम्यूट करके बात कीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन है, लेकिन अनम्यूट करके बात नहीं कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला, अब्दुल वाहिद जी, जवाब ये था ग्राफिक्स कार्ड के हवाले से। जैसे आपने गेमिंग कार्ड का आपने नाम सुना होगा, गेम कार्ड भी कुछ लोग कहते हैं, 3D कार्ड भी कहते हैं उसको कुछ लोग, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड क्या है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, किसी के थोड़ी सी बहुत उसकी नॉलेज हो तो प्लीज शेयर कीजिए जी। दानियल कुछ कह रहे नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल रहा। हैं? अच्छा, कुछ नहीं कह रहे। बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे कोई भी इस बारे में, या मैं आगे बात करना शुरू करूं कि ग्राफिक कार्ड बेसिकली, इसका नाम ही देखें आप, ग्राफिक कार्ड या 3D कार्ड या गेम कार्ड, इसको बहुत सारे नामों से जो है पहचाना जाता है। स्पेशली ये सपोर्ट करता है हमारी कंप्यूटर की ग्राफिक्स को, ठीक है। यानी कि उसको इन्हेंस करता है, जो नॉर्मली हमारे कंप्यूटर की ग्राफिक्स जो होती हैं उसमें इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ग्राफिक कार्ड लगने के बाद कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी उसकी क्वालिटी, उसके पिक्सल्स, ठीक है जी, उसकी रेजोल्यूशन, सब चीज़ें उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गेमिंग के अंदर, हमारे मल्टीमीडिया के अंदर, एडिटिंग के अंदर, ये सब चीज़ें अगर हमें काम करना है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर 3D या ऑटो कैड इस टाइप के यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इस 3D कार्ड या ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बगैर हमारा काम जो है वो पॉसिबिलिटीज की कम हो जाती है, या सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है जी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, आप पे क्या लिखा हुआ, द ग्राफिक कार्ड इज फॉर द कलर डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर एंड देयरफॉर इफ देयर वाज नो ग्राफिक कार्ड इन योर कंप्यूटर वुडंट टर्न अप, दे आर आल्सो यूज्ड टू प्ले न्यू एडवांस गेम्स, द ग्राफिक कार्ड इज द सेम थिंग एज अ वीडियो कार्ड व्हिच गिव्स द कंप्यूटर द पिक्सल्स एंड डिस्प्ले फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। अनदर नेम इज कॉल्ड द वीडियो कार्ड, इसको वीडियो कार्ड भी कहा जाता है, 3D कार्ड भी कहा जाता है, गेमिंग कार्ड भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है, और ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। स्पेशली इसका जो मेन पर्पस है वो ग्राफिक्स को एनहेंस करना है, ठीक
ठीक है, आपने देखा होगा ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा लगाया जाता है आपके सिस्टम की ग्राफिक्स उतनी अच्छी हो जाती हैं, आपके जो ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर हैं उतने ज़्यादा स्पीड अप हो जाते हैं, यानी कि वो अच्छी स्पीड हो जाती है उनकी, सिस्टम हैंग नहीं होता, वीडियो अगर आप एडिट कर रहे हैं तो रेंडरिंग जल्दी होती है उसकी, ठीक है जी। आपका अगर ऑटो कैड पे काम कर रहे हैं तो वो आपका जो काम जो है वो स्लो नहीं होता। अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए सिस्टम आपने यूज़ कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं तो उसकी ग्राफिक्स और डिटेल गेम्स की बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपका गेम लैग नहीं करता कहीं पर भी, ठीक है जी। तो ये सब पर्पस के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्राफिक कार्ड की। अब तो खैर नॉर्मली बच्चे बहुत ज़्यादा उसको जो है वो समझने लग गए हैं ग्राफिक कार्ड को, ठीक है जी। ग्राफिक कार्ड के अंदर भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी अपनी मेमोरी होती है, जितनी ज़्यादा मेमोरी वाला ग्राफिक कार्ड लेंगे उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी आपको मिलेगी। 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, यानी 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, इस तरीके से ये इसकी भी चलती हैं। फिर इसमें जो इनके रैम भी इसकी अपनी होती है और डेटा ट्रांसफ़र रेट भी इसका अलग होता है, तो DDR2, DDR3, DDR5, ये सारी चीज़ें में चलती हैं। फिर पिक्सल शेडर है इसके अंदर, इसको अगर आप देखें तो ये प्रॉपर एक बड़ा सा कार्ड होता है, इसमें हीट सिंक भी लगी होती है, फ़ैन भी लगा होता है, जैसे तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक ग्राफिक कार्ड है, और ये किस तरीके से इस पर देखें फ़ैन भी लगा हुआ है, हीट सिंक भी लगी हुई है, ऐसी है ना कुछ, ये देखें ये फ़ैन भी है और फैन के साथ ही पूरी हीट सिंक लगी हुई है, इसके नीचे अपना एक कंट्रोलर होता है, ठीक है जी। बाहर इसके जो आप देखें दो पोर्ट्स हैं, यानी कि दो किस्म की LCDs भी इसमें आप एक साथ अटैच कर सकते हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है बेटा। मज़ीद आगे चलते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड वैसे ही हाई क्वालिटी का साउंड इनपुट और आउटपुट के लिए हमें यूज़ करना होता है साउंड कार्ड। वैसे पहले तो नॉर्मली शुरू सिस्टम में तो साउंड कार्ड अलग से आता था, उसके बाद जो है वो नई टेक्नोलॉजी आई और अब मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड सब बिल्ट इन आने लग गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर डिफरेंट चैनल्स पे आपको जो है वो साउंड आपका आउटपुट चाहिए, आपने साउंड सिस्टम या होम थिएटर लगाया हुआ है तो उसमें डिफरेंट तरीके का आउटपुट चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको जो है वो डिफरेंट साउंड कार्ड यानी हाई क्वालिटी साउंड कार्ड चाहिए होता है। ये आपके सामने एक साउंड कार्ड जो आपको दिख रहा है, इसको आप और से अगर आप देखें तो इसमें आपको देखें बहुत सारी जो पिंस इनपुट और आउटपुट के लिए दी हुई है, ठीक है। इसमें यह कि आप बहुत सारे माइक्स, 2 से 3 माइक प्लग इन कर सकते हैं और 2 से 3 जगह पर आप आउटपुट भी हासिल कर सकते हैं। हमारे नॉर्मल सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा एक ही पिन माइक की होती है और एक ही पिन आपके स्पीकर आउटपुट की होती है और एक ऑक्स की होती है, यानी 3 आपको जो है वो पिंस मैसर होती हैं आपके साउंड कार्ड में। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट किस्म का ये 6 चैनल, 8 चैनल, 10 चैनल्स के डिफरेंट किस्म के साउंड कार्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मेन काम क्या साउंड कार्ड का, वही आपके साउंड जनरेट करना, आपके जो CPU के जो साउंड अब हम आउटपुट और इनपुट हासिल करते हैं वो बेसिकली साउंड कार्ड ही इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। द साउंड कार्ड इज अ कंपोनेंट विच अलाउज यू टू प्लग इन स्पीकर्स टू प्रोड्यूस साउंड और यू कैन प्लग इन हेडफोन्स, ठीक है जी। हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम माइक अपना ऐड कर सकते हैं और अगर दूसरी किस्म की कोई ऑडियो आपको मज़ीद ऐड करनी है या साउंड ऐड करना है तो वो भी आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है जी। ये थी थोड़ी सी साउंड कार्ड के हवाले से बात, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं माउस की, यहाँ माइस से लिखा हुआ है माउस और माइस बेसिकली एक ही वर्ड है, कोई इतना वो मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है। आपने सबने ही यूज़ किया होगा माउस, ठीक है जी। माउस भी बेसिकली क्या है, इनपुट डिवाइस है जो मुख्तलिफ हमारे काम करती है। अब तक खैर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है विंडोज़ के बाद, माउस के बगैर काम करना तकरीबन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। यानी कि अगर आप ऐसे आसान लफ्ज़ों में कहें तो नामुमकिन सी बात हो जाती है कि आप माउस यूज़ करें विंडोज़, माउस यूज़ किए बगैर विंडोज़ यूज़ करें, ऐसी है कुछ, ठीक है जी। तो माउस बहुत सारी इकसाम के आते हैं, आपने देखा होगा ऑप्टिकल भी होते हैं, बॉल वाले माउस भी होते हैं, उसके बाद जो है वो होल लेस और वायरलेस, ठीक है जी। इसमें बहुत सारी क्वालिटी और वैरायटी मौजूद है, ठीक है जी। इट इज़ एन एक्सटर्नल कंपोनेंट। नॉर्मल माउस जो है आपका वो सिंपल माउस होता है जिसमें 2 क्लिक्स होते हैं, ये तो आपको एक गेमिंग माउस आपको दिख रहा है तस्वीर में, ठीक है जी। इट इज़ एन एक्सटर्नल कंपोनेंट विच यू कैन गेट वायर्ड और वायरलेस, आपका माउस वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। द माउस इज टू मूव अराउंड द कर्सर, यू कैन क्लिक ऑन थिंग्स,
किसी यूज होता है भाई क्लिक करने के लिए, यानी कि बहुत सी जगह पर हम क्लिक करते हैं जिससे हमारी कमांड एंटर हो जाती है। इससे पहले जब विंडोज नहीं थी, डॉस में हम काम करते थे तो माउस होता भी नहीं था, सारा काम हम कीबोर्ड से करते थे, टाइप करना पड़ता था, सारी कमांड्स एंटर करनी पड़ती थी और फिर वो काम हमारा परफॉर्म होता था। ठीक है जी, हमें कोई चीज ओपन करनी है, क्लोज करनी है, तो हर काम के लिए हम कमांड लिखकर एंटर करते थे। फिर विंडोज के बाद से जो है वो यूजर इंटरफेस आपका जब डिफरेंट हो गया, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, जैसे हम GUI कहते हैं, उसमें माउस की एडिशन हो गई। माउस के एडिशन से आप एक जगह पे क्लिक करते हैं और आपका काम ऐसे ही हो जाता है बगैर कुछ टाइप किए। ठीक है जी, आप माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। आप किसी भी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो रन हो जाती है ऑटोमेटिकली। जबकि पहले जो GUI नहीं होता था, कमांड लाइन इंटरफेस था, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या होता था कि आपको लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था, वर्ड टाइप करके एंटर करते थे तो एप्लीकेशन ओपन होती थी। ठीक है, फिर हर काम उसमें टाइप कर करके किया जाता था, सारी कमांड्स एंटर की जाती थी अलग अलग। इसमें माउस ने जिंदगी को थोड़ा सा हमारी आसान कर दिया। तो ये माउस मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ काम करते हैं। वैसे तो ये इसमें माउस पॉइंटर आपको दिख रहा होता है, जैसे मैं भी ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली माउस पॉइंटर ही है मेरा। ठीक है जी, द माउस इज मूव अराउंड द कर्सर, यू कैन क्लिक ऑन थिंग्स, इसको हम क्लिक कर सकते हैं। देखें, क्लिक किया, ये आगे चला गया, इस तरह पीछे चला गया, हम क्लिक करके अपने बहुत सारे काम अंजाम दे रहे होते हैं। राइट क्लिक गेट्स ऑप्शंस फॉर यू टू चूज एंड लेफ्ट क्लिक टू ओपन एप्लीकेशंस एंड सिलेक्ट एन ऑप्शन। जब भी हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक हमारे बेसिकली एक शॉर्टकट मेन्यू प्रोवाइड करता है और आपको वो हर जगह पर डिफरेंट मेन्यू आएगा। अगर आप टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो अलग आएगा, स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट आएगा। ठीक है जी, किसी भी प्लेस पर उसके ब्लैंक स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, किसी आइकन पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन डिफरेंट आएंगे। ठीक है, राइट क्लिक आपको बेसिकली शॉर्टकट मेन्यू प्रोवाइड करता है जिससे आप वो काम जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास मेन्यू आ रहा है, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट व्यू, ऑल स्लाइड, जूम इन, ठीक है जी, स्क्रीन की कहानी आ रही है, पॉइंटर ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है जी, ये बहुत सारे एंड शो, ये सारी चीज़ें राइट क्लिक की वजह से आ रही हैं। और लेफ्ट क्लिक करने पर जो है वो ये मुख्तलिफ अलग से ऑप्शन अपने क्रिएट करता है। ठीक है जी, तो ये बात थी किसकी, माइस की या माउस की। ठीक है, इसको माइस भी कहा जाता है, माउस भी कहा जाता है। मैंने थोड़ा डिफरेंट इसलिए लिखा था कि आपको पता रहे कि माइस भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि थोड़ी सी बात हमारी किसकी हो गई, माउस के हवाले से। अब अगर हम आगे चलते हैं तो USB पोर्ट। ठीक है जी, USB पोर्ट से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा कि कितनी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है और कितनी बात आप समझ में, आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, कोई इशू आ रहा है, भाई प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग म्यूट रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा होता कि ये सामने क्लास में मौजूद हैं नहीं हैं, या ऑनलाइन होने के बाद गायब हो गए, सो गए। भाई प्लीज़, तैयब हैं, मोहम्मदुल्ला हुसैन हैं, साद हैं, हाशिर हैं, हाशिद हैं, हाफिज़ शहरयार साहब बैठे हुए हैं, मैं मौजूद हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बताएं कि कोई इशू, कोई बात, किसी चीज़ को पूछना है तो बता पूछ सकते हैं आप लोग। जी बिलाल, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं? ये लोगों ने अपने आप को अनम्यूट करके म्यूट किया, कुछ अपनी हरकत से अंदाज़ा हुआ कि भाई के कम से कम ये लोग सुन रहे हैं मेरी बात। जी ओकाशा अजीम बेटा, कनेक्ट कीजिए ऑडियो, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। जी साथ भाई बात भी करनी है, ये बताएं कुछ पूछना चाह रहे हैं या समझ में आ रही है सारी बात, काम कितना कम्प्लीट हो गया आप लोगों का, मुझे ज़रा अपनी रिपोर्ट भी दीजिए। बिलाल आसिफ, दानियाल, हाफिज़ शहरयार, भाई काम कितना हो गया आप लोगों का? जैसे दानियाल ने मुझे बताया था कि काम कंप्लीट हो गया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा, वो भेजने वाले हैं मुझे। क्या आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए? जी बेटा, काम हो गया, व्हाट्सएप नंबर चाहिए आपका? मेरे बच्चा ग्रुप पे देखें, ग्रुप पर मैं ऐड हूँ। आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा उस पे। मेरा नाम भी लिखा हुआ है और मेरी इमेज भी लगी हुई है, आप दोबारा देखें, कोई इशू हो तो आप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा नंबर उसमें एंटर कर दूंगा। सही है सर। ठीक है
जी हाशिद क्या कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके बात कीजिए बेटा। हाशिद अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। जी जी सर, तो हम आज काम करवा सकते हैं सबमिट? जी बेटा सबमिट करा सकते हैं आप काम, बिल्कुल सबमिट कराइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं चाह रहा हूँ आपको मार्क्स भी मिले, आपके मार्क्स कम ना हो किसी तरीके से भी, और बाकी जिससे भी कॉन्टेक्ट होता है सबको बताएं कि भाई ये मार्क्स इंक्लूड होने वाले हैं पेपर में, और क्लासेस आप अटेंड करें, कुछ लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, क्यों अटेंड नहीं कर रहे? जी जैन चाहे, तैयब, मोहम्मद हुसैनी, साद, उकाशा, अजीम, बाकी आप लोग भी बात कर सकते हैं भाई, किसी पर पाबंदी नहीं है बात करने पर, दो तीन लोग ही बात कर रहे हैं, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी बात कर लें जरा। जी उकाशा अजीम, काम कंप्लीट हुआ बेटा आपका? जी सर थोड़ा सा रह गया बस, इंशाल्लाह आजकल में हो जाएगा। चलें जल्दी बेटा, जल्द से जल्द काम कंप्लीट करके आप। बेटा आपकी आवाज थोड़ी समझ में नहीं आ रही, आयान इसे बोलिए दोबारा से, क्या कह रहे हैं आपको? फर्स्ट मंथली से पहले चेक कराने? जी बेटा ये चेक कराएंगे तो मैं आपको नंबर दूंगा ना फर्स्ट मंथली में, सोचे आप जब मार्किंग होनी है तो चेक होने के बाद ही मार्क्स मिल सकेंगे ना आपको। अगर आपको आने में मसला हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप अपना काम कंप्लीट हो गया आपका, आप रजिस्टर को तस्वीर लेकर व्हाट्सएप कर दें मुझे, ठीक है? किसी को इशू हो रहा है आने में, किसी के पेरेंट्स का आपका, भाई देखें एक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ आपका काम देखना है, आप काम अपना मुझे व्हाट्सएप पे दिखा दीजिए, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है भाई? ये मोटो जी प्ले जो है बेटा, प्लीज अपना नाम जो है ना चेंज कीजिए, मुझे नहीं पता कौन है ये। जी बेटा नाम चेंज कीजिए, साथ के भी ऑडियो कनेक्ट नहीं है, उकाशा अजीम का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा फिर इसके बाद मैं क्लास क्या करूं, एंड करूं? उकाशा का भी नहीं हो रहा, जितनी बात मैंने की समझ में आई आप लोगों को? किसी को कोई मसला कोई बात को पूछने की? तैयब साहब कह रहे हैं तैयब साहब ने बड़ा जग रहा, सो रहे हैं तैयब भाई अभी, क्या तैयब साहब नींद में चल रहे हैं मुझे लग रहा है, जाग रहा हूँ मैं, जाग रहा हूँ नींद में चल रहे, मुंह नहीं धोया आपने मुझे लग रहा, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया? मैंने असल में स्पीकर मैं दो बार हाथ मारा था, आपको ऐसे बीच की आवाज आई है, बंद हो गया था फिर। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ में आई था ये बेटा जितनी हमने बात अभी तक की है, चैप्टर टू शुरू किया, चैप्टर वन हमारा हो गया, ये पता समझ में आया आपको कुछ? आज समझ में आया है ये आपने बताया कि मतलब इतनी इसके साउंड की, माउस की और ग्राफिक्स कार्ड की ना। जी इससे पहले जितनी बातें की हमने वो समझ में आई है बेटा, कोई सवाल कोई मसले की बात दोबारा पढ़ रहे बैठ के, पेपर की तैयारी शुरू की, टेस्ट की तैयारी? इंशाल्लाह आज से शुरू करते हैं। अच्छा शुरू नहीं की इसमें तो, इंशाल्लाह आज से कर लें, लेकिन शुरू कर लें, सही था ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, और भाई क्लास में टाइम पे आ जाएगा ना, कल क्लास आपको पता है कल क्लास नहीं होती, ट्यूसडे को केमिस्ट्री की होती है, तो आप लोग कल केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करेंगे इस टाइमिंग में, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात आप लोग दोबारा होगी वेडनेसडे को, ठीक है जी? और वेडनेसडे से पेपर भी शुरू हो रहे हैं आप लोगों के, Yes. तो कल इंशाल्लाह आपको टाइमिंग वगैरह सारी चीजें बता दी जाएंगी कि पेपर का किस टाइम होना है, कैसे होना है, भाई प्लीज सब लोग अटेम्प्ट जरूर करें पेपर, सबसे आपस में बात हो तो आपस में ही सब एक दूसरे को तरगीब दें कि पेपर आपको अटेम्प्ट लाजमी करना है, इसकी मार्किंग होनी है और वो नंबर मिलने हैं आपको, अपने नंबर फजूल में ना गंवाएं तो ये सोच के कि पेपर मुश्किल होगा या कर नहीं सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं,
ठीक है बात चल रही है, तो इंशाल्लाह कोई मसला ऐसा पेपर में होना नहीं है, आपको सिर्फ आपके पॉइंट्स क्लियर रखने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, और कोई भी ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है परसों, तो सारी चीज़ें का तैयारी रखें, कोशिश करें रजिस्टर मुझे भिजवा दें, रजिस्टर नहीं भिजवा सकते तो मुझे व्हाट्सएप कर दें तस्वीरें, ताकि मैं आप लोगों के नाम नोट डाउन कर लूँ और आप लोगों के मार्किंग कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से परसों। अपना ख्याल रखिएगा, घर में सबका ख्याल रखें, हेल्प करें अम्मी अब्बू की, ठीक है, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें टाइम पर जमात के साथ, ठीक है ना, बहुत अपने लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सब पूरी दुनिया में आसानी फरमाएँ, हमारे स्पेशली जो है वो मुसलमानों को हर तरह से जो है वो परेशानियाँ जैसे तरीके से, सबके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम परसों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।